हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं, उसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, हमारे सामने है पहला प्रश्न आज का। आज भी हम लोग जो है ना कृषि को कंटिन्यू करेंगे, कल से पशुपालन को स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास आज का पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कपास का जो प्रोडक्शन करता है वो कौन सा स्टेट है? भारत का जो सबसे ज्यादा कपास का जो प्रोडक्शन करने वाला स्टेट है वो है महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा आपको महाराष्ट्र जो है आपको कॉटन का प्रोडक्शन करता है, कपास का उत्पादन करने में अग्रणी राज्य जो है, सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। आगे हम लोग देखें तो आपको श्वेत स्वर्ण, ठीक है, के नाम से जाने वाली कौन सी फसल है? श्वेत स्वर्ण, ठीक है, श्वेत मतलब आपको व्हाइट गोल्ड, क्या व्हाइट गोल्ड के नाम से कौन सा जो है ना आपको फसल को जाना जाता है? व्हाइट गोल्ड जो है ना, व्हाइट कपास कैसा होता है, कॉटन कैसा होता है, व्हाइट होता है, तो ये आपको जो है ना व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जो है ना कॉटन को जाना जाता है, आपको श्वेत स्वर्ण के नाम से भी कॉटन को जाना जाता है, जिसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, तो आपको कपास के जो रेशे होते हैं वो बीज से प्राप्त होते हैं। कपास के रेशे कब से किससे प्राप्त होते हैं? बीज से प्राप्त होते हैं कपास के रेशे, ठीक है। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती सबसे ज्यादा की जाती है? तो गन्ना का खेती जो है ना आपके यूपी में किया जाता है, ठीक है। गन्ना का खेती जो है ना सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में किया जाता है? उत्तर प्रदेश में किया जाता है। सबसे ज्यादा गन्ना का प्रोडक्शन, ईख का प्रोडक्शन आपको सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में किया जाता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, जो कि आपके सामने अगला प्रश्न है। आपको चीनी का कटोरा, शुगर बाउल किसको बोला जाता है? आपको उत्तर प्रदेश को बोला जाता है शुगर बाउल। शुगर बाउल मतलब आपको जिस चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा कौन से राज्य को बोला जाता है? उत्तर प्रदेश को, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है ना आपको गन्ना का प्रोडक्शन आपके यूपी में होता है, ठीक है। पीली क्रांति संबंधित है, पीली क्रांति दलहन उत्पादन से, दलहन उत्पादन, ठीक है ना। पीली, येलो रिवोल्यूशन वाज रिलेटेड टू दलहन उत्पादन, दलहन प्रोडक्शन से आपको जो है ना, आपको कौन सा जो है ना क्रांति संबंधित है? तो आपको पीली क्रांति, ठीक है। मछली उत्पादन आपको पता ही है, ठीक है। सॉरी यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, पीली क्रांति आपको तिलहन उत्पादन से संबंधित है, दलहन उत्पादन से नहीं। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो आपको दलहन उत्पादन से ना होकर के बल्कि आपको तिलहन उत्पादन से है। मेरे दिमाग में तिलहन ही चल रहा है, लेकिन मैं दलहन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पीली क्रांति जो है ना किससे संबंधित है? आपको तिलहन उत्पादन से है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? आपको तिलहन उत्पादन से है, आपको ऑयल सीड के प्रोडक्शन से है, ठीक है। येलो सीड्स आर इज रिलेटेड टू आपको ऑयल सीड प्रोडक्शन, तिलहन उत्पादन से आपको है। मछली उत्पादन, ठीक है, वो से जो संबंधित क्रांति है उसको हम लोग नीली क्रांति कहते हैं, उसे हम लोग ब्लू रिवॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नीली क्रांति, या आपको ब्लू रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है मछली उत्पादन, जिसको मत्स्य पालन या पिसी कल्चर के नाम से भी जानते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, कौन एक तिलहन फसल है? तिलहन फसल, तो तिलहन कौन सा होगा? आपको सूर्यमुखी जो है ना आपको तिलहन फसल होगा। सूर्यमुखी क्या है? आपको तिलहन फसल है, ये दलहन है, ठीक है। हम लोग को तिलहन पूछा है, सूर्यमुखी जो है ना आपको तिलहन फसल है। हमारे पास अगला प्रश्न है, सोयाबीन का जो है ना आपको प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है? तो मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, इसीलिए जो है मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। सबसे ज्यादा सोयाबीन का प्रोडक्शन आपको मध्य प्रदेश करता है। भारत में सोयाबीन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन से स्टेट में होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। देखिए, मैं जब जब बोला हूं कि आपको ये सब सारे के सारे प्रश्न जो है ना किसी प्रतियोगी परीक्षा में आपको देख रहे होंगे कि पूछे गए हैं ये आपको, तो इसलिए आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? तो राजस्थान जो है ना आपको सरसों का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है? राजस्थान, राजस्थान जो है ना आपको सबसे ज्यादा जो है आपको सरसों का उत्पादन करता है। सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा राजस्थान, ठीक है। कॉटन का महाराष्ट्र, ठीक है। कॉफी का, कॉफी मतलब कहवा, जो अपन लोग कॉफी पीते हैं, उस कॉफी का प्रोडक्शन अगर सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट करता है? तो कर्नाटक, कर्नाटक कॉफी का, कर्नाटक कॉफी, ठीक है। हम लोगों ने देखा कहवा का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा
आपको कर्नाटक करता है, कॉफी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कर्नाटक करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य देश का 70% जो है ना कॉफी अकेले प्रोडक्शन करता है। 70% मतलब सबसे ज्यादा, 70% का मतलब ये सबसे ज्यादा जो है ना आपको कौन सा स्टेट करता है, तो आपको जो है ना कर्नाटक जो है ना सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, कौन सा राज्य रबर, रबर का जो है ना केरल, केरल जो है ना आपको सबसे ज्यादा किसका प्रोडक्शन करता है, रबर का, रबर का प्रोडक्शन कौन सा करता है, केरल। ठीक है, केरल राज्य जो है ना आपको रबर का प्रोडक्शन करता है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक कौन सा राज्य है। अच्छा, इसमें दो ही ऑप्शन आए हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है ना आपको चाय का, कहीं गलती से जो है ना आपको ये आपके सामने जो है ना चार ऑप्शन, आप और कोई सा भी दो ऑप्शन ले सकते हैं। तो कौन सा राज्य सबसे ज्यादा चाय का प्रोडक्शन करता है, तो आपको असम, असम जो है सबसे ज्यादा आपको चाय का प्रोडक्शन करता है। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो नारियल का जो है ना केरल उत्पादन करता है, सबसे ज्यादा जो है नारियल का प्रोडक्शन कौन करता है, केरल, केरल जो है ना आपको सबसे ज्यादा नारियल का प्रोडक्शन करता है। भारत में तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कौन है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश जो है ना आपको तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला आपको राज्य है। तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा प्रदेश करता है, तो आंध्र प्रदेश करता है। हमारे पास है, मसालों का बागान किसे कहा जाता है, तो मसालों का बागान की अगर मैं बात करूं तो मसालों का बागान केरल को कहा जाता है, मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है, केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। हमारे पास अगला प्रश्न है कि इलायची और काली मिर्च ये सब मसाले में ही तो आते हैं, इलायची और काली मिर्च का जो है ना सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, तो केरल, इलायची और काली मिर्च का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आपको केरल करता है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, लौंग प्राप्त होता है आपको फूल की जो कली होती है ना, फूल की कली से जो है ना आपको लौंग प्राप्त होता है। लौंग, आप लोग लौंग को ध्यान से देखिएगा तो कली जैसा होता है, तो फूल की कली से प्राप्त किया जाता है आपको लौंग को। भारत में एकमात्र राज्य जो आपको केसर का प्रोडक्शन करता है, तो जम्मू कश्मीर जो है ना एकमात्र राज्य है जहां पे केसर का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, हम लोग थोड़ी सी तेजी से देखेंगे क्योंकि सिलेबस को कंप्लीट करना है। जूट का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है आपको, तो पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल सही, एक सेकेंड। जूट का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है आपको, पश्चिम बंगाल में, वही आपको जो है ना बताना है कि कौन सा जोड़ी जो है ना आपको ठीक है, सही है, कौन सा गलत है। चाय का प्रोडक्शन असम में, बिल्कुल सही। गन्ना का उत्पादन जो है ना आपको सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, यूपी में, चाय का असम में। रबर का कहाँ पे होता है, तो केरल में होता है। रबर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, केरल में, ना कि हिमाचल प्रदेश में। इसलिए आपको पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ी सही नहीं है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि डी में आपको जोड़ी सही नहीं मिलाया हुआ है। आपको जूट का प्रोडक्शन तो बिल्कुल सही है पश्चिम बंगाल में, चाय का असम में, गन्ना का सबसे ज्यादा यूपी में, रबर का कहाँ पे होना चाहिए, केरल में होना चाहिए, ठीक है, जो कि गलत है। झूमिंग अथवा पैड़ाकृति, पैड़ा पद्धति आपको, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है, झूम कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है, स्लैश एंड बर्न कल्चर के नाम से भी जाना जाता है, एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है, काटो जलाओ पद्धति, झूमिंग पद्धति, पैड़ा पद्धति, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इन सारे नामों से जाना जाता है। तो ये जो है ना है क्या, तो जंगल को काट करके जो है ना हम लोग उस पर खेती करने की जो पद्धति है, जंगल को काट देते हैं और वहां पे खेती करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, झूमिंग पद्धति कहते हैं। ये ज्यादातर वो जो असम नागालैंड वाला जो एरिया है उस क्षेत्र में आपको जो है ना ये पद्धति ज्यादातर देखने को मिलती है। वहां की जनजातियां जो है ना आपको ट्राइबल्स जो होते हैं वो आपको जो है ना ज्यादातर वैसे खेती करते हैं, और उसके बाद जो है ना वहाँ की जैसे ही आपको जो है ना क्या होता है, उसका जो उर्वरा क्षमता कम हो जाता है, वैसे ही आपको जो है ना ये आपको झूमिंग पद्धति, मतलब आपको वहां से अलग जो है हट करके, अलग वन को काट करके फिर से जो है ना वहां पे खेती करना स्टार्ट कर देते हैं। झूमिंग खेत पद्धति जो है ना आपको कहाँ पे सबसे ज्यादा जो है ना व्यवहार में देखने को मिलता है, नागालैंड, नागालैंड में आपको जो है ना झूमिंग खेत पद्धति से होने वाली खेती को सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पे है, तो जूट का जो है ना सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, पश्चिम बंगाल। असम में क्या होता है, तो असम में क्या होता है, चाय, ठीक है, असम में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका होता है, चाय का, ठीक है। हमारे पास अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ज्यादा पटसन, पटसन या जूट एक ही बात है, पटसन या जूट का प्रोडक्शन कौन सा राज्य करता है,
पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है ना सबसे ज्यादा पटसन या जूट का प्रोडक्शन करता है। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल जो है वो कौन सा है, वर्ष भर आपको जो है ना मक्का को बोया जा सकता है, ठीक है, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है, मक्का, ठीक है। एक मिनट, बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है। हमारे पास अगला प्रश्न है, ये जो जूट है इसमें जोड़ी मिलाना है हमारे पास, ठीक है। तो जूट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन पश्चिम बंगाल, चाय का असम, रबर का केरल, गन्ना का यूपी, इस तरह से जो कुछ भी जोड़ी होगा आप लोग मिला लीजिएगा। ए का थर्ड, तो ए का थर्ड केवल और केवल एक ऑप्शन में है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जूट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। हमारे पास अगला प्रश्न है, फिर से जोड़ी मिलाना है, हमारे पास ऑप्शन जो है ना दिया हुआ है, तो सरसों का राजस्थान में, सरसों का कहां पे, राजस्थान में, सोयाबीन का मध्य प्रदेश में, नारियल का केरल में, नारियल का केरल में, मूंगफली का आंध्र प्रदेश और गुजरात वाला जो रीजन है वहां पे भी जो है किया जाता है। तो सब लाइन से मिलाए हुए हैं, एक दो तीन चार होना चाहिए, मूंगफली आंध्र प्रदेश, सरसों राजस्थान, ठीक है, सोयाबीन मध्य प्रदेश और आपको नारियल केरल, तो एक दो तीन चार ऑप्शन नंबर सी में ही है। तो इस तरह से हमारे पास जो अगला प्रश्न है उसकी अगर मैं बात करूं, फिर से हमारे पास वैसा ही कुछ ऑप्शन है, मूंगफली तो आपको नहीं, ये तो हो गया, जो आपको मैंने कल ही पढ़ाया था कि जो हरित क्रांति के जनक थे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, उनका नाम था अर्नेस्ट, ठीक है, उनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग, क्या नाम था उनका, नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में जो हरित क्रांति के जनक थे उनका नाम था एम.एस. स्वामीनाथन। हमारे पास आज उन्हीं से संबंधित एक प्रश्न आया है कि जो बोरलॉग पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो हरित क्रांति के जनक थे, तो इसलिए बोरलॉग पुरस्कार जो है ना आपको कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। अदरक जो है ना आपको एक तना का उदाहरण है जो कि मिट्टी में उगता है, उसका जो खाद्य का संग्रहण किया जाता है वो आपको प्रकंद के द्वारा किया जाता है। अदरक जो है ना आपको एक तना का उदाहरण है जो कि मिट्टी में उगता है, और इस खाद्य का संग्रहण जो किया जाता है वो आपको उसके प्रकंद वाले भाग द्वारा किया जाता है, प्रकंद के द्वारा किया जाता है, जिसके द्वारा खाद्य का संग्रहण किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकंद कहते हैं। हमारे पास फिर से अगला जो जोड़ी है उसकी अगर मैं बात करूं तो हम लोग इसका अगर मैं बात करूं, फिर से जोड़िए, जूट जो है ना आपको पश्चिम बंगाल, चाय असम, गन्ना यूपी, रबर केरल। आप लोग बार बार देखिएगा तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा, सेम जो है ना आपको क्वेश्चन एक से दो बार देखने पे जो है ना याद होने का जो है ना चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। सूरजमुखी का जो है ना आपको प्रोडक्ट सबसे ज्यादा जो जो आपको जो है, अच्छा यहाँ पे जो है ना स्टेट नहीं है, हमारे पास मौसम है, मतलब आपको सूरजमुखी ये सब जो है ना आपको सरसों ये सब गन्ना सॉरी चना ये सब जो है ना आपको किसमें जो है ना रबी फसल में आता है। सूरजमुखी जो ठंडी के समय में बोया जाता है, ठीक है, जो तिलहन और दलहन फसल है वो किसमें आता है, आपको रबी फसल में आता है, ठीक है, मसूर और दाल ये सब सारी चीजें जो है ना आपको रबी फसल में। कपास जो है ना आपको, अब उसके बाद जो है ना मैं बात कर रहा हूँ खरबूजा की, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, खरबूजा की, तो खरबूजा जायद फसल है जो गर्मी में बोया जाता है, मार्च अप्रैल मई जून इस टाइप के जो है ना, तो खरबूजा सब्जी ये सब जो है ना किसमें आता है, जायद फसल में आता है। कपास कैश क्रॉप्स में आता है, कपास जो है ना किसमें आता है, आपको नकदी फसल में आता है। तो नकदी फसल की अगर मैं बात करूं तो नकदी फसल, अच्छा पूछ रहा है कि हाँ तो कपास जो है ना खरीफ में भी आ सकता है, क्योंकि इसके लिए जो है वर्षा के टाइम में जो है ना जब धान को बोया जाता है उस टाइम जो है ना इसको बोया जाता है, तो इसलिए कपास जो है ना आपको नकदी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसमें आएगा। और उसके बाद जो है ना हमारे पास जो अलसी है, अलसी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो अलसी अलसी जो है आपको ये रबी फसल में आना चाहिए, ठीक है, इसका आंसर देखते हैं एक बार। चार,
सूरजमुखी सभी मौसम में दिया हुआ है, ठीक है, सूरजमुखी सभी मौसम में आ जाएगा, सूरजमुखी सभी मौसम में, और अलसी जो है ना आपको रबी फसल में आएगा, अलसी किस में आ जाएगा आपको रबी फसल में आ जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं इसको याद कर लीजिएगा। आगे की ओर अगर हम लोग पढ़े तो कौन सा जोड़ी सुमेलित है आपको, सुमेलित नहीं है तो मक्का आपको उत्तर प्रदेश, बिल्कुल जोड़ी सुमेलित है, मक्का का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश, जूट पश्चिम बंगाल सही, कपास का प्रोडक्शन महाराष्ट्र सही, सोयाबीन का आंध्र प्रदेश नहीं मध्य प्रदेश में होता है प्रोडक्शन, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है, तो जोड़ी सुमेलित नहीं है पूछा गया था, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इस तरह से आज का प्रश्न इतना ही पे समाप्त होता है, ठीक है, धन्यवाद, कल फिर हम लोग इसी वक्त मिलेंगे, लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आपसे आप लोग विनती है कि जो वीडियो है उसको जो है ना आप लोग अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे जो है वैसे लोगों को भी जो है आपको फायदा पहुंचे जो इन सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।